सो हमने अभी तक ये देखा कि अगर एक कॉनकेव मिरर है या एक कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें किस तरह से साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना है, किस तरह से ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी को कंसिडर करना है, निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। नाउ अब हमने ये जो साइन कन्वेंशन बनाया ये किस पर्पस के लिए बनाया। जैसा कि हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह जो फॉर्मूला है अगर आपको स्पीड और टाइम मालूम है तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम मालूम है तो आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यह फॉर्मूला बेसिकली आपको एक स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे एक ऑब्जेक्ट दिया, उस ऑब्जेक्ट की कुछ दूरी दी कि लेट से वो कुछ डिस्टेंस पे है जिसे हमने यू से डिनोट किया, सो उस ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी, एग्जैक्टली कितनी दूरी पे बनेगी, यह निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय वी, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय यू। मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ लेट अस ट्राई टू डिराइव दिस फॉर्मूला। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। सो लेट अस कंसिडर लेट अस कंसिडर कि एक कॉनकेव मिरर हमारे सामने रखा है। इस कॉनकेव मिरर में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की, मीन्स साइन कन्वेंशन के लिए दिस इज पोल, पोल जो कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है। देन एक ऑब्जेक्ट माना जिसको हमने नाम दिया लेट से ए बी। ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया ए बी। जो ए है वह उस ऑब्जेक्ट का टॉप है और बी जो है वह उस ऑब्जेक्ट का बॉटम है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाए करता है। नाउ अब जैसा कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म होगी। इमेज किस तरह से फॉर्म होगी? एक लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वह फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वह लाइट रे फोकस से पास होने वाली है। इसी तरह से अगर एक लाइट रे
इसी तरह से अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सो बिल्कुल स्ट्रेट टकराते हुए रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को फॉलो करती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। एंड वी विल गेट कि यहां पे कुछ इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी समवेयर हेयर, कुछ इस तरह से। एंड वी विल से इमेज इज, अब जैसा यहां पे टॉप जो था उसको हमने ए दिया था, तो इसी तरह से इमेज उल्टी फॉर्म हुई है तो हम कहेंगे दिस इज ए डैश, दिस इज द ऑब्जेक्ट का टॉप, इमेज का टॉप, एंड दिस इज द बॉटम, सो दिस इज बी डैश, वी विल से दिस इज बी डैश। नाउ यू कैन सी Now you can see कि यहां पे ऑब्जेक्ट ए बी की एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है कुछ इस तरह से, ए डैश बी डैश। यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस पी एफ, पी एफ इज वॉट, पी एफ इज योर फोकल लेंथ, सो पी एफ इज द फोकल लेंथ विच कैन बी डिनोटेड बाय माइनस एफ। हमने मान लिया एफ इज द फोकल लेंथ, अब क्योंकि ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव है इसलिए पी एफ इज माइनस एफ, ऐसा हमने मान लिया। नाउ सिमिलरली सी पी, यू कैन सी सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी इज द पोल, सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो आई कैन से पी सी इज इक्वल्स टू माइनस आर, नेगेटिव ऑफ आर बिकॉज डायरेक्शन इज नेगेटिव, और इट कैन बी सीन एज माइनस टू टाइम्स ऑफ एफ, टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक स्फेरिकल मिरर का एपर्चर बहुत कम होता है कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो वी कैन अज्यूम कि फोकस इज एग्जैक्टली इन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली बीच में ये लाए करता है, सो दैट्स वाई वी कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ओके, देन व्हाट, देन वी कैन सी कि बी जो है, बी ऑब्जेक्ट का बॉटम है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो वी विल से पी बी इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी बी हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की इस मिरर से दूरी कितनी है, एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। नाउ इट इज इन निगेटिव डायरेक्शन, हम ये देख सकते हैं ऐसा निगेटिव जाने पे ये डायरेक्शन में आ रहा है, सो वी विल से दिस इज माइनस यू इन द निगेटिव डायरेक्शन। सिमिलरली वॉट अबाउट द इमेज डिस्टेंस, हम देख सकते हैं इमेज कहां पे लाई कर रही है, इमेज इज बी डैश, ए डैश बी डैश, सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड बी डैश विल गिव यू द इमेज डिस्टेंस, एंड वी विल से पी बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी। Why minus? Minus इसलिए क्योंकि अगेन डायरेक्शन इज नेगेटिव। नाउ वी कैन सी हियर दैट ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट, एक ऐसा वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई झुका हुआ नहीं है, हमने एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट माना है, एंड दिस लाइन ए, दिस लाइन, दिस लाइट is the incident to the concave mirror at some point, जिसको हम नाम दे देते हैं E. E वह point है जहां पे A से निकलने वाली light ray जो कि इस axis के parallel है इस mirror को incidence होती है, and then यहां से ये light ray reflect हो जाती है। So we will see कि अगर मैं E से एक perpendicular draw करूं, परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री, सो वी विल अज्यूम कि यह परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर लाए ऑन द पोल, हम ऐसा मानेंगे कि यह परपेंडिकुलर एग्जैक्टली
पोल के ऊपर गिर रहा है. इट मींस कि अगर मैं इसको कुछ पी डैश मान लू, दिस पॉइंट पी डैश, सो हम कहेंगे कि जो ये पी पी डैश है ये इतना छोटा है कि इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से अर्थ से सन की दूरी की बात करूं, सो अर्थ से सन की दूरी इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, बट अगर मैं उसमें 2-4 किलोमीटर का डिस्टेंस ऊपर नीचे कुछ बता दूं तो इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में 1 या 2 किलोमीटर का इतना मैटर नहीं होता. सो दिस डिस्टेंस इज सिमिलरली वेरी वेरी स्मॉल. सो वी विल अज्यूम कि ये दोनों एक ही पॉइंट है. ओके, नाउ इन ट्राइंगल यू कैन सी यहां पे बहुत सारे ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. सो हम दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं. ट्राइंगल ए बी, ए बी एंड सी, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी. ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, दीज आर द टू ट्राइंगल्स. हमने इनको कंसिडर किया. वी कैन सी कि दिस एंगल यू कैन सी दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. यू कैन सी दिस, आई कैन राइट इन दिस टू ट्राइंगल दैट एंगल ए डैश बी डैश सी इज इक्वल्स टू एंगल विच वन ए बी सी. यू विल राइट इट इज ए बी सी. These two angles are equal by 90 degree each, because both the angles are 90 degree. Dono angles ka measure kitna hai 90 degrees ka. Now next we can see this angle is equals to this angle, because A A dash ek straight line hai aur B B dash bhi ek straight line hai. So I will say angle A C B is equals to angle A dash C B dash. So I will write angle A C B is equals to angle A dash B C dash. And what is the reason? Reason is कि यह दोनों angles vertically opposite angles है. ऐसा आपने पढ़ा है geometry में, जब भी दो lines, दो straight line एक दूसरे को intersect करती हैं तो कुछ चार angles वहां पे form होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें opposite angles हमेशा equal होते हैं, because they are vertically opposite angles. So we will write these are vertically opposite angles. हम यहां कहेंगे कि these angles are basically vertically opposite angles. Now what? Now, because in these two triangles, यह दोनों एंगल इक्वल है और यह दोनों एंगल भी इक्वल है, सो आई विल से कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी. नाउ सिमिलैरिटी का मीन्स ये होता है, सिमिलैरिटी का मतलब कि दो ट्राइंगल्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, सो ताजमहल, आपने ताजमहल देखा है, ताजमहल बहुत बड़ा है, लेकिन आपने देखा है कि उसके मॉडल्स भी हम देखते हैं बाजार में, उसके मॉडल्स भी आते हैं. नाउ मॉडल्स और ओरिजिनल ताजमहल सिमिलर है, वो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, ऐसा आप देख सकते हैं. हम आपने कॉन्ग्रुएंसी नाम की चीज पढ़ी है. दो चीजें कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स उसके इक्वल होते हैं. लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा कोई इशू नहीं है. जैसा ग्लोब होता है, आपने देखा है अर्थ का अपन एक छोटा सा मॉडल बना देते हैं जिसे हम ग्लोब कहते हैं. इस ग्लोब का साइज और अर्थ का साइज ऑब्वियस सी बात है सिमिलर, सेम तो नहीं है. ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सिमिलर है, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है. इसी तरह से अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती, उनका रेशियो सेम होता है.
जो कि आप फर्दर सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स आपका मैथ्स में एक टॉपिक आता है जिसमें आप इस चीज को स्टडी करेंगे। फॉर टाइम बींग आप जस्ट मान लेते हैं कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर है। वाई? बिकॉज यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और दो एंगल्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो बिकॉज ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, सो आई विल राइट कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, सो सिमिलर ट्राइंगल्स में हम लिखते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। यू विल राइट इट एज बी सी अपॉन बी डैश सी एंड यू विल से दिस इज इक्वेशन वन। नाउ जैसा हमने यहां पे ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी कंसिडर किया, कुछ इसी तरह से हम दो दूसरे ट्राइंगल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ई एफ पी एंड ए डैश बी डैश एफ। सो वी विल कंसिडर ट्राइंगल ई एफ पी। नाउ दिस पी डैश इज इक्वल टू पी, हमने ऐसा पहले देखा था कि यह डिस्टेंस इतना छोटा है कि हम मान सकते हैं कि पी डैश एंड पी आर ओवरलैपिंग, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। सो वी कैन सी कि ई एफ पी ये एक ट्राइंगल हो गया ई एफ पी। सिमिलरली द ट्राइंगल इज ए डैश एफ बी डैश, सो वी विल कंसिडर ई एफ पी एंड ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश। अगेन इन दोनों ट्राइंगल्स में भी हम देख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, मीन्स एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल्स टू ई पी एफ। सो आई विल राइट एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई पी एफ ईच 90 डिग्री, यह दोनों एंगल्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, मीन्स ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल्स टू ई एफ पी। सो आई विल राइट ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल्स टू ई एफ पी। वाई सो? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो हम कहेंगे कि यह दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सो हम ऐसा मानते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उन दो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम होता है। ओके, फॉर टाइम बींग जस्ट ऐसा मान लेते हैं, जो जब आप इसको सिमिलर ट्राइंगल्स के टॉपिक में पढ़ेंगे देन आपको फर्दर इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो वी विल सी कि यहां पर अगर ई पी एफ, सो ट्राइंगल ई एफ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डैश एफ बी डैश, दिस इज द साइन फॉर सिमिलैरिटी। आपने देखा था कॉन्ग्रुएंसी के साइन में हम इसके नीचे एक इक्वल टू भी लगाते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ एक डैश। ओके, सो वी विल सी कि यहां पे ई पी अपॉन ए डैश बी डैश, सॉरी EP upon A dash B dash is equals to FP upon B dash F. So we will write this is equals to B dash F. But हम ये देख सकते हैं कि AE is parallel to BP. AE जो लाइन है यह BP के बिल्कुल पैरेलल है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम होता है। सो वी कैन से ए बी इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन ए ई एंड बी पी एंड सिमिलरली ई पी इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन ए ई एंड बी पी। देयरफॉर आई कैन राइट ए बी
इज इक्वल्स टू ईपी, ब्रैकेट में यू कैन राइट बिकॉज ए ई इज पैरेलल टू बीपी. ए ई इज पैरेलल टू बीपी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. सो ए बी इज इक्वल्स टू ईपी, यू कैन सी इन द डायग्राम. ओके, नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करें, यहां पे हम देख सकते हैं ईपी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ, एंड सिमिलरली यहां पे ए बी इज इक्वल्स टू ईपी, देयरफॉर आई कैन राइट कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर मैं ईपी को ए बी से रिप्लेस कर दूं, सो वी विल गेट इज इक्वल्स टू एफ पी अपॉन दिस बी डैश एफ. यू कैन सी दिस, हम यहां पे इस ईपी को ए बी से रिप्लेस कर देते हैं. अगर हम ईपी को ए बी से रिप्लेस करेंगे, सो वी विल गेट दिस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ. सो कंसिडर दिस इज एज द सेकेंड इक्वेशन, हम मान लेते हैं दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी विल सी कि बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ. कंसिडर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, यू विल गेट दिस. नाउ वॉट, नाउ यू कैन सी कि डायग्राम में वॉट इज बी सी, बी सी दिस दिस डिस्टेंस आई कैन राइट बी सी एज बी पी माइनस, आई कैन राइट बी सी एज इक्वल्स टू बी पी माइनस सी पी. सो फॉर बी सी आई विल राइट BP माइनस CP. यू कैन सी हेयर दिस होल, ये पूरा डिस्टेंस BP है एंड दिस इज BC. सो फॉर दिस सॉरी CP, सो BP BC इज इक्वल्स टू BP माइनस PC. सिमिलरली B' C इज दिस मच, दिस इज B' C. आई कैन राइट B' C एज CP माइनस B' P. So I can write it as CP minus B dash P. Now what is FP? FP हम देख सकते हैं, this is FP. FP as it is. Now FP हमने देखा था, it is minus of F, focal length, negative of focal length. So I will write here, it is minus of F upon what is B dash F? B dash F. B dash F is this distance. So टू गेट बी डैश एफ, मैं बी डैश एफ को कुछ बी डैश पी माइनस एफ पी के टर्म्स में लिख सकता हूं. सो आई विल राइट बी डैश पी माइनस एफ पी. नाउ इन दैट इक्वेशन यूजिंग दीज कन्वेंशंस, हम इन टर्म्स को यूज करेंगे. हम बीपी की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस यू. सो यहां पे हम लिख देंगे माइनस यू माइनस वॉट इज सी पी. सी पी इज दिस डिस्टेंस, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस ऑफ आर और माइनस ऑफ टू एफ. सो सी पी की जगह हम माइनस ऑफ टू एफ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय सी पी अगेन. सो सी पी इज माइनस ऑफ टू एफ माइनस वॉट इज बी डैश पी. बी डैश पी इज दिस, B dash P is minus U. Minus U means image distance. Image distance is again negative direction because हम यहाँ पे image जो form हो रही है वो mirror के left side में form होती है. So I will write it as minus V. This is equals to minus F as it is upon B dash P. B dash P again वही minus V. So I will write it as minus P minus V minus what is FP? FP is focal length. So
सो आई विल राइट माइनस एज इट इज और एफ पी की जगह माइनस एफ. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. वी विल राइट इट एज माइनस यू प्लस टू एफ इंटू एफ माइनस वी इज इक्वल्स टू दिस टर्म देयर. सो वी माइनस टू एफ इंटू माइनस एफ. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट यू वी इज इक्वल्स टू एफ वी प्लस एफ यू. नाउ व्हाट, नाउ डिवाइड बाय यू वी एफ. इस पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे. सो वी विल गेट वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी. एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज नोन एज मिरर फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज नोन एज मिरर फॉर्मूला. नाउ हम यहां देख सकते हैं मिरर फॉर्मूला में फोकल लेंथ आता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आता है यू और इमेज का डिस्टेंस आता है वी. सो अगर मुझे किसी मिरर की फोकल लेंथ पता है और ऑब्जेक्ट की दूरी पता है, सो मैं आसानी से उसकी इमेज की दूरी भी निकाल सकता हूं. वी कैन कैलकुलेट दिस वेरी इजीली. नाउ यू कैन नोट दिस. ओके नाउ सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मिरर फॉर्मूला. हमने देखा कि मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला इज वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू. यह हमने मिरर फॉर्मूला देखा था जहां पे एफ फोकल लेंथ है मिरर की, वी इमेज का डिस्टेंस है और यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल. ओके सो हमने यहां पे यह देख लिया था कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट की दूरी पता है सो क्या मैं इमेज की दूरी भी कैलकुलेट कर सकता हूं. हाँ बिल्कुल कर सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब ये तो क्या था, हमने सिर्फ इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी को कंपेयर किया. लेकिन अगर हम यहां देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज कुछ इतना है ए बी आप देख सकते हैं और इमेज का साइज छोटा है. हम ये कहते हैं कि जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो तो उसकी इमेज एक डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है जिसकी हाइट जिसकी विड्थ कम होती है जो कि छोटी होती है. सो अगर मुझे ये जानना है कि इमेज एग्जैक्टली कितनी छोटी है इस मिरर इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इमेज का लेंथ कितना कम है, सो वी कैन यूज वी कैन डिराइव दिस वी कैन कैलकुलेट दिस हाइट ऑफ इमेज यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन इज व्हाट, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज. इट इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज. सो लेट अस से कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हम देख सकते हैं वह ए बी है. सो आई विल से ए बी इज बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम डिनोट करेंगे एच से. This is h. Small h gives the height of object. Similarly, अगर height of image की बात करें so you can see a dash b dash is the height of image. So I will say a dash b dash is equals to height of image and height of image is denoted by h dash.
height of image is denoted by h dash. Now हमने ये देखा था sign convention में कि अगर मैं origin से ऊपर की तरफ जाऊंगा so जो length होगी, जो भी direction होगी वो positive होगी. अगर मैं origin से नीचे की तरफ जाऊंगा so I will say the direction is negative, मतलब जो भी मैं length measure करूंगा वह भी negative होगी. So we can see जो object है वह इस origin के ऊपर lie करता है. So I will say कि h is positive, height of image, sorry height of object is positive क्योंकि object ऊपर की तरफ lie करता है. पर इमेज की बात करें तो इमेज लाइस बॉटम ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाई करती है, बिलो दिस प्रिंसिपल एक्सिस. सो आई विल से कि एच डैश दैट इज द हाइट ऑफ इमेज, एच डैश इज नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, ऐसा हम मानेंगे. वी कैन सी दिस. ओके, so magnification is basically defined as ratio of h and h dash, ratio of h and h dash, and it is denoted by m, is given by h dash upon h. magnification हमें ये बताता है कि एक object कितना magnify हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितना छोटा हुआ है. जैसा हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट कम हुई है, ये सॉरी इमेज की हाइट कम हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, इट मींस एच, सो लेट अस राइट हियर, इफ एच इज ग्रेटर देन एच डैश, अगर एच बड़ा है एच डैश से, means let's say ये 5 है, this is 5 and this is 4, so it is 4 upon 5, so h is greater than h dash, it means m, magnification m is less than 1. अगर object की height image से ज्यादा है, so I will say कि magnification 1 से छोटा है, it means object जो magnify हुआ है वह छोटा हो गया है, वह डीमैग्निफाई हो गया है, बहुत छोटा, इट इज डिमिनिश्ड, इट्स काइंड ऑफ डिमिनिश्ड, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट कम हो गई है. ओके, देन इफ एच इज लेस देन एच डैश, एच इज लेस देन एच डैश मींस आपका ऑब्जेक्ट की हाइट एच थी लेकिन इमेज की हाइट एच डैश हो गई है जो कि बड़ी हो गई है compared to height of object. So I will say कि यहां पे magnification is greater than 1. Magnification is greater than 1. So in the first case we can see कि अगर magnification 1 से छोटा है so object is small. अगर magnification 1 से बड़ा है so it means object magnify हुआ है, बड़ा हुआ है. So this is the concept of magnification. जैसा यहां पे हमने मैग्निफिकेशन m से डिनोट किया, इट इज रिटन एज एच डैश, दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसी तरह से आई कैन राइट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u. आई कैन राइट magnification is equals to minus v upon u, where v is image distance and u is object distance. So this will give you the magnification again. और ये किस तरह से आया, ये again जो हमने mirror formula derive किया था उस mirror formula से ही ये वाला formula निकल के आता है. But derivation is not important, हमारे लिए सिर्फ expression important है. So I will say m is equals to minus v upon u or h dash upon h. So this is the final formula for magnification. You can use this formula. इसका मतलब अगर मुझे object की दूरी और image की दूरी दी हुई है so I can easily calculate the magnification. So आप देख सकते हैं अगर object की दूरी
छोटी है, कम है, इमेज सॉरी इमेज की दूरी कम है ऑब्जेक्ट की दूरी से, सो आई विल से मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन, एंड अगर ऑब्जेक्ट की दूरी ज्यादा है इमेज की दूरी से, सो वी कैन सी कि अगर इमेज की दूरी कम है ऑब्जेक्ट की दूरी ज्यादा है, सो मैग्निफिकेशन इज मोर देन, इट इज लेस देन वन. इन केस अगर ऑब्जेक्ट की दूरी कम है इमेज की दूरी ज्यादा है, सो आई विल से मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन वन. बिल्कुल यही फॉर्मूला अगेन अप्लाई हो जाएगा. सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सम लॉजिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज. टिल देन थैंक यू.